हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ मनीषा किचन में। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम भले चंगे होंगे। और दोस्तों शाम का टाइम है और मैं आई हूँ खेतों की तरफ। और आज मैं अपने खेतों में चल रही हूँ, देखती हूँ कौन सी सब्जी जो है कि तैयार है, उस सब्जी को तोड़ूंगी। तो चलिए अभी फिलहाल चलते हैं अपने खेतों में। तो अभी दोस्तों हम आए हुए हैं कुलरू के खेत में और यहाँ पर देखिए कुलरू लगाया गया है। कुदरू को देखिए जो है कि झमड़ा बनाकर लगाया गया है। ज़्यादा कुलरू तो नहीं बोया गया है लेकिन थोड़ा सा ही है, लेकिन बहुत बढ़िया जो है कि फला हुआ है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए कितना मस्त एकदम फला हुआ है घुघरू की तरह। तो आज मैं यहाँ से जो है कि देख देख के कुलरू तोड़ूंगी जो तैयार हुआ है। तो ये देखिए ये कितना बढ़िया एकदम मस्त है। ऊपर आकर के दिखा तोड़ के चल अपनी यहाँ से भाग चलते। तो देखिए दोस्तों हम अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ से कुदरू को तोड़ लिए हैं और इतना कुदरू बहुत ज़्यादा है, मतलब इतने में सब्जी बहुत आसानी से बन जाएगी। तो चलिए अब इसे लेकर चलते हैं अपने किचन के पास और आज मैं इस कुदरू की बहुत ही अच्छी और टेस्टी रेसिपी आप लोगों के बीच बनाकर शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिलहाल अभी चलते हैं किचन के पास। पूरा दिखाई यहाँ पर देखिए दोस्तों कुलरू की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर प्याज टमाटर और आलू अदरक लहसुन और हरा मिर्च तैयार कर लिए हैं। अब चलिए ये जो कुलरू लिए हैं इसको जो है कि दोनों साइड से काट लेते हैं इस तरह से। इसी तरह से सभी कुलरू को हम काट कर तैयार कर लेते हैं। देखिए दोस्तों बाहर जो है कि बारिश भी हो रही है और यहाँ पर हम सब्जी को जो है कि छील लिए हैं। अब चलिए इसको धोकर साफ कर लेते हैं। यहाँ पर हम सभी सब्जियों को धोकर साफ कर लिए हैं। अब चलिए सब्जियों को काटते हैं। ये जो कुदरू है पहले इसे हम काटते हैं। इसको देखिए हम थोड़ा सा अलग तरीके से काटेंगे, कुछ इस तरह से। तो देखिए खड़ा कुलरू को हम जो है कि काट रहे हैं और इसको चार भाग में किए हैं और यहाँ से अलग नहीं किए हैं, इसमें जो है कि एक में ही है। इसी तरह से सभी कुलरू को काटकर तैयार कर लेते हैं। और ये जो कुलरू है दोस्तों काफी नरम है, इसकी जो सब्जी बनती है बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं, यहाँ पर हमारा जो है कि कुदरू कटकर तैयार हो गया है और ये जो है कि हम आलू भी काट लिए हैं और अभी प्याज काट रहे हैं। और बाहर बहुत तेज हो रही है बारिश, देखिए बारिश में जो है कि शूटिंग कर रहे हैं। और यहाँ चूल्हे तक दोस्तों देखिए बारिश आ गई है, पानी इधर तक भी आ रहा है, काफ़ी ठंडा हो गया है। और मनीषा जी को बहुत दिक्कत होने वाली है दोस्तों चूल्हे पर खाना बनाने में, आग तो मुझे लगता है जल्दी जल नहीं पाएगा। तो देखिए बारिश हो रही है और बारिश में ना हवा भी चल रही है, आग जलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखिए ये फिर से नहीं जला, फिर से जो है कि हम ये माचिस का तीली जला रहे हैं। जब धूप रहती है तो अच्छा रहता है, अच्छे से जल जाता है, आग पकड़ लेता है। लगता है कि अब हमारा जो है कि चूल्हे में का आग पकड़ लेगा बढ़िया से।
लेकिन पकड़ने के बाद भी जो है कि ये भूत जाता है दोस्तों, क्योंकि इधर जो है कि पूरा पानी आता है बौछार, तो ये लकड़ी में नमी हो जाता है, इसी वजह से दिक्कत ज्यादा होती है आग जलाने में। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं, यहाँ पर जो है कि आग चूल्हे में जला लिए हैं और बहुत ही अच्छे से आग पकड़ लिया है। अब चलिए ये चूल्हे पे कढ़ाई रख देते हैं और फटाफट से खाना बना लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जो है कि बारिश का मौसम है तो जल्दी से खाना बन जाएगा तो अच्छा है। तो देखिए अब हम कढ़ाई में डालते हैं सरसों का तेल और तेल को गर्म होने देते हैं। देखिए दोस्तों कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये कटे हुए कुंदरू को डालते हैं। इसमें देखिए पानी थोड़ा सा लगा हुआ है तो खनखनाहट की आवाज आ रही है। यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन और हरा मिर्च का हम पेस्ट बनाए हैं, अब हम इसको जो है कि कटोरी में उठा लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कुंदरू का कलर चेंज हो गया है, ये देखिए हल्का सा जो है कि ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब चलिए इसको जो है कि हम निकाल लेते हैं थाली में। तो देखिए इसमें से जो है कि काफी सॉफ्ट भी हो गए हैं कुछ कुंदरू, देखिए। तो देखिए दोस्तों जो बचा हुआ तेल है इसी में आलू को भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ऐसे तो आप आलू को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग पसंद करते हैं कुंदरू में आलू डालना। तो आलू का भी कलर चेंज हो गया है, ये देखिए एकदम बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। अब चलिए इसे भी हम थाली में निकाल लेते हैं। अब कढ़ाई में जो बचा हुआ तेल है इसी में हम तड़का लगाते हैं। इसमें हम डालेंगे आधी चम्मच साबुत जीरा, चुटकी भर हींग डाल देते हैं और यहाँ पर हम लिए हैं करी पत्ता, ये देखिए इसे भी डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए जीरा भी चटक गया है अच्छे से। अब चलिए इसमें हम डाल देते हैं कटा हुआ प्याज। प्याज को डालकर इसको धीमी धीमी आंच पर हम भूनेंगे। ये प्याज हमारा जो है कि लाल हो गया है, अब चलिए इसमें हम डाल देते हैं अदरक लहसुन और हरा मिर्च का बना हुआ पेस्ट। अब हम इसको थोड़ा सा जो है कि भून लेते हैं चलाते हुए। यहाँ पर देखिए दोस्तों कटोरी में मसाला निकाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसमें गरम मसाला भी है। तो चलिए इसको जो है कि पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो गया है, अब हम इन मसालों को कढ़ाई में डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों मसाले हमारे पक गए हैं और मसालों से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब चलिए इसमें हम डाल देते हैं ये कटा हुआ टमाटर। टमाटर को डालने के बाद जो है कि इसको गलने के लिए डाल देते हैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ पर हम नमक डाल देते हैं आधा चम्मच और इसे चला देते हैं। अब हम इसको धीमी धीमी आंच पर चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं ये फ्राई किया हुआ कुंदरू और आलू। पलटे को थोड़ा सा हटा देते हैं इसमें से और इन सभी को डाल देते हैं।
यहाँ पर देखिए कुंदरू और आलू को डाल दिए हैं। अब हम इसको पलटे से चला देते हैं। चलाकर मसालों के साथ अच्छे से मिला देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, सब्जी जो है कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। चलिए इसमें हम डाल देते हैं लगभग एक कटोरी की करीब पानी। देखिए दोस्तों, कढ़ाई में पानी को डाल दिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ढककर पकाएंगे ताकि ये बढ़िया से जो है कि मुलायम हो जाए। दोस्तों कितना अंधेरा हो चला है और इधर हमारी सब्जी अभी पक रही है और मैं आटा गूंथ रही हूँ पराठा बनाने के लिए। पराठा को बेलकर तैयार कर लिए हैं। अब चलिए सब्जी की तरफ भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए सब्जी का जो है कि आँच कम कर दिए हैं एकदम, और इधर हमारी सब्जी जो है कि पककर तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया जो है कि पकी हुई है और इसकी ग्रेवी देखिए एकदम सूख गई है और एकदम मस्त ये जो है कि लटपटा बना हुआ है। ये देखिए इसमें से खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और ये जो कुंदरू है दोस्तों, देखिए एकदम बढ़िया से जो है कि पक गए हैं, नरम हो गए हैं। अब चलिए कढ़ाई को हम चूल्हे से नीचे उतारते हैं और फटाफट से पराठा बनाकर तैयार करते हैं। देखिए दोनों साइड से अच्छे से पक गया है और एकदम समोसा की तरह ये जो है कि फूल रहा है। अब चलिए इसको हम तवा से उतार देते हैं थाली में और इसी तरह से बाकी का बचा हुआ जो पराठा है सभी को हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। दोस्तों आज शाम का खाना हम बनाकर तैयार कर लिए हैं। दोस्तों पराठा भी हम बनाकर तैयार कर लिए हैं और ये सब्जी भी बन गई है। चलिए अब इसे जो है कि निकालते हैं थाली में। यहाँ पर प्लेट लिए हैं, प्लेट में परोसते हैं। और ये रहा गरम गरम पराठा। तो चलिए दोस्तों इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। दोस्तों सच बताऊं तो ये सब्जी जो है कि बहुत ही टेस्टी बनी है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है और थोड़ा सा दोस्तों तीखा हो गया है लेकिन बहुत ही जबरदस्त सब्जी बनी है। आप लोग भी इस तरह से जरूर कुंदरू की सब्जी बनाइए और इसके टेस्ट का आनंद लीजिए। अपना अनुभव हमें कमेंट में बताइए। आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर दोस्तों। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने जो रेड कलर की जो बटन है उसको दबाइएगा जरूर, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए और आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखें। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।